ब्योकेरो वाला है सभी ने। तो आज की गेम प्ले में हम फेटल फोर वे मैच करने वाले हैं। ये चारों प्रबल दावेदार है सेथ रॉलिंस से भिड़ने के लिए, उसकी चैंपियनशिप के लिए। तो पहले है सीएम पंक जो अभी अभी रिटर्न आया, रैंडी ओटन जो अभी अभी रिटर्न आए, डेमिन प्री जिनके पास मनी इन द बैंक है, और द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। भाई ड्रू मैकइंटायर देखो पहले से ही है लाइन में, और सीएम पंक ने अभी भी चैलेंज किया है सेथ रॉलिंस को। तो सेथ रॉलिंस ने बोल दिया कि सीएम पंक से ये तुम्हारा घर नहीं है, क्योंकि तुम 10 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे। और रैंडी ओटन तो रिटर्न आया तो ऑब्वियसली प्रबल दावेदार, उनको बनना ही बनना है। और चारों के पास दो दो फिनिशर हैं, और नॉकआउट ऑन है भाई जो फिनिशर लगाएगा, जो प्रबल दावेदार होगा। और डेमिन प्रीस को पहला फिनिशर लग चुका है क्लेमोर किक, और इधर रैंडी ओटन को फिनिशर लगाने की तैयारी में सीएम पंक। सीएम पंक कितना, अरे भाई साहब जो थर्ड रोप से पेडिग्री लगाई गजब है। अब क्योंकि चारों यार प्रबल दावेदार हैं, देखो डेमिन प्रीस के पास, डेमिन प्रीस के पास काफ़ी बार मौका है, लेकिन डेमिन प्रीस अभी तक एक भी बार अपने मनी इन द बैंक को कैश नहीं करा पाए। क्यों भाई, हर बार जब भी वो बॉब भाई साहब स्लेज हैमर निकाल रहा है स्कॉटिश वॉरियर, यही फाइट आपको एक बार को देखने को मिल सकती है रॉयल रंबल में। वैसे तो रॉयल रंबल में 30 मैन रॉयल रंबल में जो जीतेगा भाई वही रेसलमेनिया में भिड़ेगा सेथ रॉलिंस से, लेकिन चार में से एक ऐसा हो सकता है कि चारों भिड़े और जो जीतेगा वो रेसलमेनिया में, रॉयल रंबल में या रेसलमेनिया में भिड़ सकता है सेथ रॉलिंस से WWE चैंपियनशिप के लिए। और डेमिन प्रीस ने अपना चोक स्लैम लगा दिया है। ड्रू मैकइंटायर इतनी जल्दी हार मानने वाला बंदा, भाई साहब ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेटेड, बहुत जल्दी चला गया है ड्रू मैकइंटायर। लेकिन सीएम पंक, डेमिन प्रीस और रैंडी ओटन तीन दावेदार भाई साहब ऐसे बचे जो बहुत ही तगड़े दावेदार हैं, और सबसे ज़्यादा सीएम पंक। सीएम पंक की रिटर्न ने WWE में थोड़ी सी जान तो ला दी है, क्योंकि यह सीएम पंक आने से थोड़ा सा क्राउड में जान आ गई, और WWE थोड़ा सा फीका पड़ने लगा था। तो पुराने सुपरस्टार को लेके आया WWE सीएम पंक और रैंडी ओटन। ओटन तो देखो इंजरी से जूझ रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन सीएम पंक को AEW से वापस लेके आया WWE, और सीएम पंक के आने से क्राउड में अच्छा खासा जोश आ चुका है WWE में। और यार सीएम पंक के जो आने का जो एंट्री का स्टाइल था ना, अगर आपने भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स देखा हो ना, तो उसमें जो कमबैक करने का स्टाइल था वो बहुत ही गजब था सीएम पंक का। और डेमिन प्रीस तो यार देखो, मनी इन द बैंक काफ़ी बार कोशिश कर चुका है कैश कराने के लिए, लेकिन वो करा ही नहीं पा रहा है। एक बार तो बहुत अच्छा मौका था डेमिन प्रीस के पास, लेकिन सैमी जेन ने आके भाई उसका सूटकेस ही लेके भाग गया था। तो वो जो मौका था ना, वो डेमिन प्रीस के पास बहुत अच्छा था। उस टाइम पे सेथ रॉलिंस वीक थे, और डेमिन प्रीस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती रॉलिंस को हराने के लिए। और भाई इन चारों में से जो जीतेगा हो सकता है वो सेथ रॉलिंस से भिड़े, सॉरी। तो अगर सेथ रॉलिंस से आप फाइट देखना चाहते हैं जो जीतने विनर की, तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मैं आप लोगों के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस विनर की फ़ाइट ज़रूर करवाऊंगा वो WWE चैंपियनशिप के लिए। पर फिलहाल ये देखना है कि यार स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मुझे उससे अच्छी उम्मीदें थी यार। और ड्रू मैकइंटायर का क्लेमोर एक अच्छा फिनिशर है, और वापसी, और देखा है तो ड्रू मैकइंटायर भी वापसी ही आया, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ड्रू मैकइंटायर भी रिंग में नहीं आया था। उसके बाद तीनों ने वापसी की है, सीएम पंक ने, रैंडी ओटन ने, ड्रू मैकइंटायर ने, और डेमिन प्रीस। तो यार जजमेंट डे में, पर डेमिन प्रीस के पास पता है एक एडवांटेज क्या है भाई, द जजमेंट डे के मेंबर्स हैं ना, वो डेमिन प्रीस का बहुत साथ दे जाते हैं, और खास तौर पर रिया रिपली देखा जाए पूरे जजमेंट डे को संभाल के बैठी हुई अकेली, और मामी तो मामी है भाई। ये यार बढ़िया बढ़िया भाई, मुझे लगा था ये स्टील स्टेप्स केवल उठा लेते, लगाते नहीं है। और रिंग में आके लड़ लो मेरे भाई, रिंग में आके लड़ लो, ज़्यादा मजा आएगा देखने वालों को भी और खेलने वालों को भी। सीएम पंक की बॉडी और हेड दोनों चीज़ें ऑरेंज हो चुकी हैं, डेमिन प्रीस का हेड तो येल्लो है लेकिन बॉडी ऑरेंज है। और यहाँ पे अगर फ्रीजर लगाते रहेंगे ना, तो जीतने के चांसेस अच्छे बन सकते हैं। और आप लोग भाई अभी से कमेंट में बॉक्स में लिख के बता दो कि कौन जीतने वाला है आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है, और आप किसको देखना चाहते हैं WWE चैंपियन बनते हुए। भाई मैं पर्सनली बताऊँ, मैं सीएम पंक को देखना चाहता हूँ, क्योंकि यार सीएम पंक यार बढ़िया बंदा लग रहा था, और उसका स्टाइल बोलने का भाई मैं फ़ैन हो गया सीएम पंक का। पहले मैं इतना फ़ैन नहीं था सीएम पंक का, लेकिन यार जब से अभी वापसी में जो सीएम पंक का स्टाइल, सीएम पंक का टौरा, जो सीएम पंक ने टशन दिखाया ना भाई, वो देखने लायक था। और जो स्मार्ट वॉच वो बंदा हाथ में पहन के आया था, गजब लगती है भाई, स्मार्ट बंदा लगता है। तो पर्सनली मैं सीएम पंक को देखना चाहता हूँ, आप किसको देखना चाहते हैं भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना अपना अपना चॉइस। और इस फाइट में जो विनर बन रहा वो भी मुझे बताना कि इस फाइट में कौन विनर बन सकता है आपके हिसाब से।
और अगर फेयर फाइट नहीं लगती तो भाई एक बार हम दोबारा भी कर सकते हैं, डेमियन प्रीस्ट, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर चारों एक ही रिंग में फिर से हो सकते हैं अगर ये फाइट फेयर नहीं लगती तो। भाई फेयर फाइट लगती है तो जो जीतेगा उसको हम रॉयल रंबल में या रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस से भिड़ते हुए देखेंगे। WWE सस्ते WWE में, रियल पे नहीं, सस्ते में ही, लेकिन ठीक है भाई सस्ते में ज़्यादा मजा आने लगा मुझे, क्योंकि यार रियल में जो फाइट है ना वो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है और सस्ते में भाई कोई वेट नहीं करना पड़ता। और सीएम पंक का हेड रेड हो चुका है, डेमियन प्रीस्ट बॉडी और हेड दोनों चीज़ें रेड हो चुकी है, तो यार इस समय तो रैंडी ऑर्टन विनर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का हेड भी ऑरेंज, हेड येल्लो है और बॉडी ऑरेंज है। और सीएम पंक को थोड़ा सा फिनिशर लगाने की, भाई सीएम पंक के पास भी एक फिनिशर आ चुका और रैंडी के पास तीन तीन फिनिशर, एक सिग्नेचर रेजिलेंसी, भाई पूरा बैंक खाता खोल लिया रैंडी ऑर्टन का, तो ऑर्टन ही इस समय प्रबल दावेदार दिख रहा भाई। और चेयर ले आए और भाई साहब ये अगर चेयर लग जाती है ऑर्टन को तो ऑर्टन काफ़ी वीक हो जाते, क्योंकि ऑर्टन के पास अभी बॉडी पार्ट कोई भी बॉडी पार्ट ऑर्टन का रेड नहीं है। सीएम पंक का देखो हेड रेड है और डेमियन प्रीस्ट तो पूरे लाल हो चुके हैं इस समय, वो खुद भी लाल हो चुके हैं। और सीएम पंक को नहीं भाई, सीएम पंक को नहीं, बढ़िया बढ़िया ऑर्टन को कुर्सी लगाई है, पर मैं पर्सनली अगर एक दूसरी चॉइस भी लेके चलूं तो भाई ऑर्टन, रैंडी ऑर्टन, क्योंकि यार सीएम पंक के साथ रैंडी ऑर्टन को मैं WWE चैंपियन, मैं डेमियन प्रीस्ट को नहीं देखना चाहता भाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है डेमियन प्रीस्ट, पता नहीं क्यों। और अभी रिसेंटली रॉ में यार आर्ट ट्रूथ को मारा बेकार में, मतलब क्या जरूरत थी आर्ट ट्रूथ को ढूंढने की, लेकिन पूरे भाई पूरे जजमेंट ने आर्ट ट्रूथ को मारा। आर्ट ट्रूथ तो यार एक फनी बंदा है और भाई रिंग में नहीं आ रहे ये लोग, पता नहीं क्यों आउट ऑफ रिंग ही लड़े पड़े, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन करके मैंने लग रहा गलती कर दी, ऑफ ही रखनी चाहिए थी, मुझे लगा था यार चार फेटल फोर वे मैच डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन करके मजा आएगा, लेकिन सीएम पंक तो यार कुर्सी वर्सी ले आओ भाई, सूतना चालू कर। और डेम नीचे नीचे लड़े पड़े या तो कोई फिनिशर लगा भाई, टेबल फिनिशर अगर एक आध लग जाए तो मज़ा ही आ जाए देखने में। और ऑर्टन अंदर चले गए और सीएम पंक डेमियन प्रीस्ट को भी अंदर ही ले जाओ भाई, काउंट डाउन रखना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, काउंट डाउन ना रखे, मैंने एक्सट्रीम रूल्स मैच कर दिया कोई ना, लेकिन फिर भी देखने में मज़ा तो आ रहा है। सीएम पंक यार, सीएम पंक इस समय हैवी पड़ रहा है तीनों पे, और ऑर्टन का भी हेड रेड हो चुका, ऑर्टन का हेड भी रेड है और बॉडी भी रेड हो चुकी है। और डेमियन प्रीस्ट सीएम पंक, भाई डेमियन प्रीस्ट को भी लग रहा है समझ आ गया कि सीएम पंक ही है प्रबल दावेदार जो मेरा दुश्मन बन सकता है, पर यार डेमियन प्रीस्ट के पास दो मौके होंगे, एक तो रॉयल रंबल और दूसरा मनी इन द बैंक, जो उसके पास सूटकेस है ना डेमियन प्रीस्ट के पास, तो अगर जैसे चैंपियनशिप होती है WWE में, रॉयल रंबल में या रेसलमेनिया में होती है, और अगर सीएम पंक या ऑर्टन में से जो भी जीतता रॉलिंस से, अगर रॉलिंस चैंपियन रिटेन कर लेता ना भाई तो बहुत अच्छा, और अगर नया कोई चैंपियन बनता ऑर्टन या सीएम पंक में से तो उसके बाद भी डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक है, वो कैश करा के जीत सकता है, पर बशर्ते कोई बीच में उंगली ना करे तो। और बढ़िया भाई सीएम पंक ऑर्टन अंदर आ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया, चलो बढ़िया, बहुत देर बाद तीनों जने अंदर आए और यहाँ पे फिनिशर अगर लग रहा है ना तो भाई मज़ा ही आ जाए। ऑर्टन को फिर बाहर फेंकने की फिराक में और सीएम पंक ने फिनिशर लगा दिया, ये भाई डेमियन प्रीस्ट गया डेमियन प्रीस्ट भाई अभी भी बच गया, हेड और बॉडी दोनों चीज़ें रेड होने के बाद, और ये भाई साहब पिन फॉल करा लिया, क्या मज़ेदार मैच आ गया। सीएम पंक, मुझे तो सीएम पंक से उम्मीद अच्छी लग रही है, और सीएम पंक के पास फिनिशर भी है, सीएम पंक के पास दो दो फिनिशर है भाई, रेजिलेंसी भी फिनिशर भी। सीएम पंक को यार ये हथियार ले जाने की जरूरत नहीं है इस समय भाई, ऐसे ही ऑर्टन को जीत सकते हैं, और अगर चेयर लेके आयो तो भाई कम से कम मारो तो सही। और भाई साहब कॉर्नर में फंसा दिए चेयर सीएम पंक ने, यहाँ पे अगर सीएम पंक और ये फिनिशर लगा दिया भाई साहब, ये रैंडी ऑर्टन भाई साहब सीएम पंक विनर, यार यही देखना चाहता हूँ बस मैं, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक में, क्योंकि यार रॉलिंस बहुत टाइम से चैंपियनशिप रखा हुआ, थोड़ा सा चेंज होता रहा है तो मज़ा आएगा देखने में। और मेनली सीएम पंक को वापस लाने का WWE का मेन मकसद यही है कि चैंपियनशिप उसको चेंज करनी है, अब देखो रोमन तो आ नहीं रहे तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप चेंज होनी चाहिए यहाँ पे। और यार गेम प्ले में मज़ा आया तो भाई लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप लोग कोई फाइट देखना चाहते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।